हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ और ये मेकअप ट्यूटोरियल है ब्लैक डीप स्मोकी आईज के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं ब्लैक आउटफिट के ऊपर ट्राई कर रही हूँ, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा जब आप ब्लैक आउटफिट वेयर करते हो वेस्टर्न में। तो फर्स्ट मैं मेरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ फर्साली ऑयल, क्योंकि इससे मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा खिला खिला यानी फ्लॉलेस दिखेगा। अब मैं फेस पर अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ एलिगल प्रो प्रेप। प्राइमर लगाने में कोई कंजूसी नहीं करे, प्राइमर अच्छे से लगाए जिससे हमारा जो बेस है वो सेटल रहता है और हमारी स्किन के अंदर हमारा फाउंडेशन नहीं जाता है और हमारे पोर्स को भी मिनिमाइज कर देता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट हाईलाइटर, और हाईलाइटर यानी इल्यूमिनेटर मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का। इल्यूमिनेटर हमको आइस को छोड़ के पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। हेड ब्रश की हेल्प से मैं पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ गया है। अब मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ, और आई मेकअप में डीप ब्लैक स्मोकी आईज बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जेल आईलाइनर। वो मैं फॉरएवर 52 की यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं डायरेक्ट मेरी लीड्स पर अप्लाई करूँगी, पर लीड्स पे अप्लाई करने से पहले हम एज अ बेस कंसीलर को लगा देंगे। और कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। मैं मेरे कंसीलर ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब इस कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए मैं मैक का स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ। इसको मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर दूंगी। और अब मैं मेरी लीड्स पर ये ब्लैक जेल आईलाइनर यूज कर रही हूँ। इसको मैं डायरेक्ट फ्लैट ब्रश की हेल्प से लगा दूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी मैं। और अब मैं ब्लैक शेड इसके ऊपर अप्लाई करूंगी, और ब्लैक शेड में यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 की पैलेट से। ये रहा हमारा जेट ब्लैक शेड, और इसको डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके कॉर्नर को और सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें से ब्राउन शेड को पिक करके लगाऊंगी। मेरी एक आंख का आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है, और दूसरी आईज का आई मेकअप करके मैं आपसे मिलती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने मेरा आई मेकअप कंप्लीट डन कर लिया है दोनों का, और अब मैं मेरे आईब्रोज को फिल करूंगी। और आईब्रोज को फिल करने के लिए फॉरएवर 52 का आईब्रो डिफाइनर। अब मैं मेरे आईब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी, और हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ टू उषास का हाइलाइटर। मैंने मेरी ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर दिया है, और अब मैं मेरे फेस पर फाउंडेशन लगाऊंगी, और फाउंडेशन मैं फॉरएवर 52 का और एलेगल का दोनों का मिक्स करके लगाऊंगी। अब मैं मेरे फेस के हाई पॉइंट्स जो है उनको कंसीलर से अच्छे से कंसील कर दूंगी।
अब मैं मेरे फेस की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ और कॉन्टोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का फुल फेस पैलेट। इसमें कॉन्टोर भी है, हाइलाइटर भी है और ब्लश भी है। अब मैं मेरे फेस पर ब्लश लगा दूंगी और ब्लश भी मैं सेम पैलेट से यूज कर रही हूँ। अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट कर दूंगी सेम पैलेट से। और अब मैं मेरी आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी। और अब मैं मस्करा लगा दूंगी। मस्करा में शुगर का यूज कर रही हूँ। और अब मैं मेरी लोअर वाटर लाइन पर काजल लगा दूंगी और काजल भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की। अब मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके मेरी वाटर लाइन के नीचे थोड़ा सा स्मज करूंगी। अब मैं लिपस्टिक लगा दूंगी और लिपस्टिक मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की और इसका कलर है प्योर रेड और इसका शेड है 06। मेरी लिपस्टिक लग चुकी है। अब मैं मेरे पूरे मेकअप को सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज करूंगी और सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ रेवोल्यूशन प्रो का। हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हैं। मैंने इस बार कुछ नया ट्राई किया, ब्लैक ड्रेस के साथ डीप स्मोकी आईज। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और किसी कंटेंट को वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM करें और मैं ज़रूर ट्राई करूंगी बनाने का। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं कर रखा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।